5 एजेंडा की, तो पहला एजेंडा ये है कि बीजेपी के लिए कर्नाटक में अच्छे दिन आने वाले हैं। कल कुमार स्वामी सरकार गिरने के बाद आज बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। बीजेपी ने आज सुबह 11 बजे बेंगलुरु में पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है, इस पर आगे अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। दूसरा एजेंडा, अमेरिका ने अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने वाले प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बड़ा कबूलनामा किया है। इमरान खान ने माना है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी संगठन अलकायदा के लिंक हैं। इमरान ने यह भी माना कि पुलवामा हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ है, और क्या क्या कहा इमरान खान ने वो बताएंगे आगे आपको। तीसरा एजेंडा, कश्मीर पर मध्यस्थता के बयान को लेकर ट्रंप अमेरिका में ही घिर गए हैं, लेकिन आपको ये बताएं कि भारत में सरकार के विरोधियों को अब अपने प्रधानमंत्री से ज्यादा ट्रंप के झूठ पर भरोसा है, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की मांग पर अड़ा हुआ है। चौथा एजेंडा है, लोकसभा चुनावों से ही पश्चिम बंगाल लगातार बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग का अखाड़ा बना हुआ है। बीजेपी राजनीतिक हिंसा में मारे गए अपने कार्यकर्ताओं के परिवारों के साथ आज दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, इस पर जो अपडेट है आगे बताएंगे। पांचवा और आखिरी एजेंडा ये है कि मुंबई में एक बार फिर भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, और इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये है टॉप 5 एजेंडा, और इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां आज बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। विश्वास मत में कुमार स्वामी सरकार की हार के बाद अब बीजेपी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है। आज सुबह 11 बजे बीजेपी ने विधायकों की बैठक बुलाई है। बताया ये जा रहा है कि इसी बैठक में येदुरप्पा को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और नेता चुने जाने के बाद येदुरप्पा गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। खबर तो ये भी है कि येदुरप्पा गुरुवार यानी कल शपथ भी ले सकते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदुरप्पा आज राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। बीजेपी ने आज सुबह 11 बजे बेंगलुरु में पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है। इससे पहले मंगलवार को विधानसभा में कुमार स्वामी सरकार का विश्वास मत गिरने के बाद से ही बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार की देर रात तक चली बैठक में बीजेपी विधायकों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। हालांकि कर्नाटक प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीएस येदुरप्पा ने कहा है कि वो पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से चर्चा के बाद ही गवर्नर से मिलेंगे। मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी ने 105 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। येदुरप्पा ने अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने अमित शाह को शुक्रिया कहा है। मंगलवार को विश्वास मत गिरने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में जश्न मनाया। और इसी के साथ कर्नाटक में कुमार स्वामी सरकार 6 जुलाई से संकट में थी। संकट को टालने की भरकस कोशिश की गई, लेकिन बगावत के आगे कुमार स्वामी की कुर्सी नहीं बच पाई। विधानसभा में विश्वास मत हारने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल वजूभाई वाला ने कुमार स्वामी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मंगलवार को कर्नाटक में 14 महीने पुरानी कांग्रेस JDS की गठबंधन सरकार गिर गई। 4 दिन तक चली चर्चा के बाद मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी विधानसभा में विश्वास मत हार गए। मंगलवार की देर रात शाम को विधानसभा में विश्वास मत पर हुई वोटिंग में कुमार स्वामी सरकार के पक्ष में सिर्फ 99 वोट पड़े, जबकि विरोध में 105 विधायकों ने वोट किया। विश्वास मत पर वोटिंग के दौरान स्पीकर को हटाकर 204 विधायक मौजूद थे, लिहाजा मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को बहुमत के लिए 103 का समर्थन जरूरी था। मई 2018 से कुमारस्वामी 116 विधायकों के समर्थन से सरकार चला रहे थे, लेकिन इसी महीने कांग्रेस और JDS के 15 विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार अल्पमत में आ गई थी। इस बीच विश्वास मत के दौरान सदर से गैर हाजिर रहने वाले एकमात्र BSP विधायक N. महेश को BSP अध्यक्ष मायावती ने पार्टी से निकाल दिया है। कर्नाटक में सरकार तो गिरी कांग्रेस और JDS के बागियों की वजह से, लेकिन निशाने पर आ गई है बीजेपी। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में लालच जीत गया। कर्नाटक में JDS कांग्रेस गठबंधन की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में लालच की जीत हुई है, लोकतंत्र हार गया है। राहुल ने ट्वीट किया, कर्नाटक में कांग्रेस JDS गठबंधन पहले से ही गठबंधन के भीतर और बाहर
दोनों जगहों पर निजी स्वार्थों के लिए निशाने पर था। जिन लोगों के लिए गठबंधन एक खतरा और सत्ता की राह में रोड़ा था, उनका लालच आज जीत गया। लोकतंत्र, ईमानदारी और कर्नाटक के लोगों की हार हो गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, एक दिन बीजेपी को पता चलेगा कि हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, हर किसी को नहीं दबाया जा सकता और हर झूठ का पर्दाफाश होता है। वहीं कुमारस्वामी सरकार के गिरने को बीजेपी ने लोकतंत्र की जीत बताया है। I want to assure the people of Karnataka, new era of development will start now onwards. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कुमारस्वामी सरकार का गिरना राजनीतिक आदर्श और मूल्यों की हार है। कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर ट्रंप के बयान पर आज भी हंगामे के आसार हैं। विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी से जवाब की मांग पर अड़े हैं, धमकी दे रहे हैं कि जब तक पीएम मोदी जवाब नहीं देंगे तब तक राज्यसभा में कामकाज नहीं होने देंगे। दूसरी ओर सरकार ने कल ही साफ कर दिया था कि ट्रंप के साथ मध्यस्थता को लेकर कोई बातचीत हुई ही नहीं है, न ही कश्मीर पर सरकार की किसी नीति में कोई बदलाव आया है। अब ऐसे में सवाल तो ये भी है कि कश्मीर पर मध्यस्थता के बयान को लेकर अमेरिका में ही घिरे ट्रंप पर हिंदुस्तान के विपक्षी दलों को कितना भरोसा है। कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की मांग पर अड़ा है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने मंगलवार को बैठक की। बैठक के बाद विपक्षी दलों ने कहा कि ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी को संसद में सफाई देनी चाहिए। जब तक प्रधानमंत्री संसद में बयान नहीं देंगे विपक्ष पीछे नहीं हटेगा। विपक्ष ने यह भी साफ किया कि राज्यसभा की कार्यवाही तभी चलेगी जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे। मैं नहीं समझता कि राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऐसे बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा है कि आप मीडिएट करो। हम चाहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी सदन में आकर ये कहें कि ये झूठ है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को साफ कहा कि ट्रंप से मध्यस्थता को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बावजूद कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने संसद में हंगामा किया। मंगलवार को विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष के व्यवहार की निंदा की। आज राज्यसभा में जिस तरह से विपक्षी दलों ने शोर शराबा किया वो सर्वथा अनुचित है, असमर्थनीय है और एक तरह से गैर जिम्मेवाराना है। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां राजनीतिक हिंसा को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में शह और मात का खेल तेज हो गया है। इस हिंसा में मारे गए 23 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों के लिए बीजेपी आज दिल्ली में कार्यक्रम कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार गृहमंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं। पिछले दिनों तृणमूल कार्यकर्ताओं ने अपने मारे गए कार्यकर्ताओं के लिए शहीद दिवस मनाया था। बीजेपी का आज का जो कार्यक्रम है उसी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शहीद दिवस रैली के मुकाबले बीजेपी आज पब्लिक ट्रिब्यूनल कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम में पिछले एक साल में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी के 23 कार्यकर्ताओं के परिवारों को बुलाया गया है। कार्यक्रम आज दोपहर बाद होना है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा और अलोकतांत्रिक माहौल के मुद्दे पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम के लिए दिल्ली पहुंचे परिवारों की गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होगी। इसके अलावा ये लोग पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी नेता सुषमा स्वराज से भी मिल सकते हैं। আমাদের যে সংসদে যে 18 জন এমপি আমি শুনলাম কি আসবে এখানে সবাই কাছে আমি রিকোয়েস্ট বা নিবেদন করব যে আমার ভাইকে যে মার্ডার করেছে ওদের জন্য কিছু প্রশাসনকে একটু চাপ দিয়ে সিবিআই যাচ করান আর শাস্তি দেন। इससे पहले 30 मई को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों को न्योता दिया गया था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुई थी। दरअसल पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान से ही राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। चुनाव के दौरान और नतीजों के बाद लगातार बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प होती रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में
बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी एक और एजेंडा बताएंगे। एक बार फिर से माया नगरी मुंबई में आसमान से आफत की बारिश शुरू हो गई है। देर रात से हो रही बारिश में मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया, निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। सायन और हिंद माता इलाके की सड़क पर समंदर जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, लोगों को घुटनों तक के पानी से गुजरना पड़ रहा है। बीएमसी ने पहले से ही कर्मचारियों को मुस्तैद रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा बेहिसाब बारिश में खुले मैनहोल से है। मौसम विभाग ने मुंबई में पहले ही बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में शाम 4:30 बजे हाई टाइड की भी संभावना जताई जा रही है। समंदर में 3.75 मीटर लहरें उठ सकती हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ क्योंकि खबरें जारी रहेंगी।